विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में 5 साल में 1 करोड़ की नौकरी देने का वादा किया है। देखते हैं क्या 5 साल में यह सरकार अपने किए गए वादे पर खड़ी हो पाती है या नहीं। इमरान खान को भी नागपुर से लगता है डर, योगी आदित्यनाथ ने कहा। नागपुर देश के मध्य स्थित नागपुर एक महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर अपने पवित्र मंदिर और संतरों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी नागपुर से डर लगता है। पिछले कुछ दिनों में उनके बयानों से यह साबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहा है वहाँ गोरेवाड़ा रिंग रोड परिसर में भाजपा के पश्चिम नागपुर के उम्मीदवार सुधाकर देशमुख के लिए एक रैली में बोल रहे थे। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, डार्क ग्रे सूची में डाला जा सकता है पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करने में नाकाम रहा है, जिसके वजह से उसे डार्क ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। उसे सुधारने की अंतिम चेतावनी तक दी चुकी है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।